भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने केवल उन विधायकों को प्रताड़ित किया है जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए। 1.5 साल में 30,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद सभी विकास के काम बंद हैं, संस्थान बंद कर दिए गए हैं, प्रदेश की कानून और व्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और जनता में हाहाकार मचा हुआ है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश में हो रहे 3 विधानसभाओं के उपचुनावों को धन बल के जरिए हाईजैक करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जान चुकी है कि वो इन उपचुनावों में बैकफुट पर है, इसलिए वो इस तरह से चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस ही पीछे है। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि प्रदेश की जनता को धोखा देकर, माताओं बहनों को धोखा देकर, बेरोजगारों किसानों को धोखा देकर 2022 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी और वही धोखा देने का काम अभी भी लगातार चल रहा है। विगत 18 महीने की सुखविंदर सिंह सुक्खू की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे के ऊपर फेल हुई। अपनी गलतियों को, अपने भ्रष्टाचार को, अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का काम 18 महीने में किया गया। केवल और केवल उन विधायकों की प्रताड़ना की गई जिन्होंने जनहित के मुद्दे उठाए और लगभग 30,000 करोड़ का कर्ज लेने के बावजूद विकास कार्य सब तरफ बंद कर दिए, संस्थान बंद कर दिए, कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है, सब तरफ हाहाकार है। खून, बलात्कार, डकैती, ड्रग माफिया सर चढ़ करके बोल रहा है, परंतु सरकार केवल और केवल मित्रों के टोले से घिरी हुई है। सारा का सारा लाभ मित्रों के टोले को पहुंचाने में जुटी हुई सरकार ने अब ये 3 उपचुनावों को हाईजैक करने के लिए पूरी तरह से धनबल लगाना शुरू किया है। सरकारी अधिकारी और पूरी सरकार चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस बैकफुट पर है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को डरा के धमकाकर, उनको ट्रांसफर की बात कहकर, इसी प्रकार व्यापारियों के चालान कर, ट्रैक्टर वाले के चालान कर एक आतंक का माहौल बनाया है ताकि वो चुनाव जीत सके। कांग्रेस के अंदर जबरदस्त ज्वालामुखी भड़क रहा है। जब से मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी को चुनाव मैदान में उतारा है और कांग्रेस इस बात का निर्णय कर चुकी है कि हमें हर हालत में ये मुख्यमंत्री बदलना है, जनता को धोखा देकर, बहनों को, माताओं को धोखा देकर, बेरोजगारों को, किसानों को धोखा देकर 2022 में कांग्रेस ने सरकार बनाई और वही धोखा देने का काम निरंतर चल रहा है। एक भी बेरोजगार युवा को 1.5 साल में नौकरी नहीं मिली। 1500 रुपया पहली कैबिनेट में 22 लाख बहनों के खाते में आना था, उनके साथ धोखा किया और तरह तरह के फार्म भरा करके एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जैसे आसमान के तारे तोड़कर ये जनता को दे देंगे। एक ओर बोलते हैं हमारा खजाना खाली है, हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरी ओर लगातार अपनी पत्नी को जिताने के लिए सब्ज बाग दिखा रहे हैं, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं और ऐसी ऐसी घोषणाएं की जा रही हैं जो किसी भी हालत में पूरी नहीं की जा सकती है। परंतु प्रदेश की जनता आज समझदार हो चुकी है। इनके जो और बहकावे हैं, जो जिस तरह से ये और जनता को बरगलाते, वो हिमाचल प्रदेश की जनता, देहरा की जनता, नालागढ़ की जनता और हमीरपुर की जनता जान चुकी है। आज इनके भ्रष्टाचार की पोलें खुलने लगी है। किस तरह से और एक एक करके भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहा है,